नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इक्विटी मार्केट में। तो दोस्तों, आज हम जिस शेयर के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है विश्वराज शुगर। जैसा कि आपने थंबनेल में दिख लिया होगा, इस शेयर में जो है अभी जो हमें हाल देखने वाला है काफी तगड़ी गिरावट के बाद हमें अब इसमें दोबारा से एक बड़ी रैली का जो है हमें अंदेशा देखने को मिल रहा है, और इसने जो है उस रैली की शुरुआत अब हमें करती हुई देखने को मिल रही है, और आज हमें काफी अच्छी इसमें तेजी भी देखने को मिली है, और साथ में जो है काफी बड़ा इसमें अपडेट निकल के आ रहा है। उस अपडेट का बहुत बड़ा इम्पैक्ट इस शेयर पर हमें देखने को मिलेगा, और लगातार जो है एक्सपर्ट जो है इसको बाय करने की सलाह दे रहे हैं। बात करेंगे इस वीडियो में कि जो लोग भी इसमें ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं वो लोग अपनी इसमें नेक्स्ट मूव क्या लें, इसके आगे के कौन से टारगेट रहने वाले हैं, जो लोग भी इसमें ऑलरेडी इन्वेस्ट हैं वो लोग आखिर अपनी इसमें नेक्स्ट मूव क्या ले सकते हैं, और जो लोग इसमें इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं तो क्या उनको इसमें अपनी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या उनको अपनी इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, ये सारी बातें हम जानेंगे इस वीडियो में। और कंपनी कैसी है, कंपनी में क्या इन्वेस्टमेंट करना सही है या गलत है, ये सारी बातें हम जानेंगे इस वीडियो में बहुत ज़्यादा डिटेल में। तो बस आप वीडियो में अंत तक बने रहें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन और सारे अपडेट सबसे पहले मिलते रहें। और साथ में आप हमारे फ्री टेलीग्राम ग्रुप पे आके जुड़ सकते हैं, इसमें आपको फ्री में इंट्राडे ट्रेड, BTST स्टॉक, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म के जो सबसे अच्छे स्टॉक्स होते हैं ये सारी सुविधा आपको हम इस ग्रुप में प्रोवाइड करते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ग्रुप को ज्वाइन करने का आपको कोई भी चार्ज पे नहीं करना है। अगर आप इंट्राडे करते हैं, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट करते हैं, अगर आप पेनी स्टॉक डील करते हैं, या आप जो है फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और स्टॉक्स में, तो ये सारी सुविधा आपको मिलेगी इस ग्रुप में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और ग्रुप को ज्वाइन करने का आपको कोई भी चार्ज पे नहीं करना है। ग्रुप की जो लिंक है वो अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ी है, उस पर आप क्लिक करके ग्रुप को बिल्कुल ईजिली ज्वाइन कर सकते हैं, और वो 2400 के आसपास हमारे मेंबर हैं, तो आप भी हमारी इस फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। तो हम चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ कि कैसी क्या हमें ट्रेड देखने को मिली है विश्वराज अपना शुगर में आज के दिन। तो आज देखिए इसमें ओपनिंग हुई थी लगभग 21.45 रुपये पर आज इसमें ओपनिंग देखने को मिली थी, और ओपनिंग का देखिए इसमें काफ़ी अच्छी रिकवरी आई, देखिए काफ़ी अच्छी इसमें परफॉर्मेंस दी, और लगभग देखिए इसमें अपना इसने हाई लगाया था लगभग 23 रुपये के आसपास का, और उस हाई का देखिए इसमें थोड़ा सा हमें डाउनफॉल देखने को मिला, प्रॉफिट बुकिंग आई, और उस प्रॉफिट बुकिंग बाद देखिए दोबारा से रिकवरी देखने को मिली, और फाइनली हमें क्लोजिंग इसमें अपर सर्किट के साथ देखने को मिली, और देखिए ऑलमोस्ट 8% से भी ज़्यादा हमें आज इसमें तेजी देखने को मिल रही है, और लगभग 1.70 रुपये आज शेयर में बढ़ोतरी हुई है, और अभी ये शेयर देखिए लगभग 22.80 रुपये पर पहुंच चुका है। बात करें 1 वीक में, तो 1 वीक में देखिए लगभग 8.06% की हमें गिरावट देखने, माफ कीजिए, तेजी देखने को मिल रही है, गिरावट नहीं तेजी बोल रहा हूं, तो 8% एक हफ्ते में ये शेयर बढ़ चुका है, और 1 मंथ में देखें तो 1 मंथ में लगभग 3.64% की हमें इसमें तेजी अभी तक देखने को मिल रही है। अब बात करते हैं अपडेट की, कौन सा वो अपडेट है और उस अपडेट का कैसा ये शेयर जो है फायदा उठा सकता है। तो देखिए वो अपडेट देखते हैं पहले, तो ये अपडेट जो है वो अपना थोड़ा सा पुराना जरूर है लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इस शेयर के लिए। तो ये 26 फरवरी का अपना अपडेट है, और ये अपडेट क्या है कि अपना जो IIFL सिक्योरिटीज़ है उन्होंने जो है इस शेयर को लेकर काफ़ी बड़ा अपना बयान दिया है। वो बयान क्या है पढ़ते हैं इस खबर को आगे। तो देखिए, डिस्पाइट ए ग्लोबल इकोनॉमी फीलिंग द हेड ऑफ COVID-19, इंडियन स्टॉक मार्केट मैनेज टू डिलीवर स्टेडी रिटर्न इन 2021। क्योंकि देखिए 2021 में हर एक शेयर ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, और बहुत अच्छा लोगों ने पैसा डाला, जिसने भी किसी भी स्टॉक में पैसा डाला है तो उसको भारी रिटर्न्स मिला है। आप चाहे तो किसी भी एक पर्टिकुलर स्टॉक को देखने, मतलब जिसमें एक पोटेंशियल है बढ़ने का, तो जिन्होंने भी उन कंपनियों में पैसा लगाया बहुत अच्छा जनरेट किया है 2021 में पैसा। इनफैक्ट अ गुड नंबर ऑफ शेयर एंटर्ड द लिस्ट ऑफ मल्टीबैगर स्टॉक इन 2021 आफ्टर सच ह्यूज नंबर स्टॉक्स जनरेटिंग अल्फा रिटर्न इन 2021। पोजिशनल इन्वेस्टर्स आर बिजी फाइंडिंग आउट मल्टीबैगर स्टॉक फॉर 2021। तो मतलब अपना जो पोजिशनल स्टॉक्स इन्वेस्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा बिजी रह रहे हैं कि अब अगला स्टॉक कौन सा हो जो मल्टी बैगर बन सकता है, और आप हम लोगों की भी बहुत ज़्यादा तलाश है कि अगला स्टॉक कौन सा है जो मल्टी बैगर बन जाए और हम आपसे अपना पैसा लगाते हैं। तो देखिए उसके लिए क्या किया है उन्होंने, अपना जो एक अनुज गुप्ता है जो IIFL की सिक्योरिटीज़ के जो है इन्वेस्टर बोल सकते हैं, उनकी सलाहकार हैं उनके, तो उन्होंने क्या बोला है, टू मेक दिस जॉब इजी फॉर सच इन्वेस्टर अनुज गुप्ता ऑफ IIFL सिक्योरिटी है सजेस्टेड विश्वराज शुगर इंडस्ट्री स्टॉक टू बाई एज ई बिलीव दैट द स्टॉक में डबल्ड शेयर होल्डर मनी इन 2022 कि 2022 में ये जो है अपना पैसा आपका डबल कर सकती है। ही हैज़ गिवन बाई टैग टू दिस स्टॉक प्रिडिक्टिंग टारगेट कितना 50 रुपीज़ का टारगेट दिया है बाई द एंड ऑफ 2022। मतलब कि आपको इंतजार करना पड़ेगा पैसा लाने के लिए, लेकिन आपका पैसा डबल हो जाएगा, ये बात बोली है किसने, अपने अनुज गुप्ता ने जो अपने IIFL से बिलोंग करते हैं। तो काफ़ी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, और इस अपडेट का बिल्कुल इम्पैक्ट इस शेयर पर हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि जब कोई बड़ा खिलाड़ी ऐसा कोई बयान देता है तो बिल्कुल बोले तो लोगों का भी मन इस तरफ आता है, और ऑपरेटर भी जो है इस तरफ ध्यान देता है, क्योंकि लोगों को पैसा बनाना है और ऑपरेटर को भी अपना पैसा बनाना है। तो बिल्कुल इस समय पोटेंशियल भी है कंपनी को बढ़ने का, क्योंकि देखिए सोलर सेक्टर की कंपनी है और कंपनी प्रॉफिटेबल है, इसमें FIIs का भी पैसा लगा हुआ है, DIIs का भी पैसा लगा हुआ है, पब्लिक की होल्डिंग भी है, और प्रमोटर होल्डिंग भी काफ़ी अच्छी हमें देखने को मिल रही है, लगभग 30% से भी ज़्यादा होल्डिंग अपनी प्रमोटर्स की इसमें है। तो
तो देखिए कंपनी में पोटेंशियल बिल्कुल बढ़ने का। और आपको पता है कि शुगर सेक्टर की जो स्टॉक्स हैं 2022, 23, 24, 25 जो आगे के 4-5 साल हैं, ये बहुत ज़्यादा कंपनी के लिए क्रूशल रहने वाले हैं, क्योंकि ये कंपनियां बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाली हैं आगे आने वाले समय में। क्योंकि देखिए एथेनॉल की बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ रही है और एथेनॉल जो है आगे भविष्य है। क्योंकि देखिए एथेनॉल का यूज अपना पेट्रोल ब्रांडिंग में भी होता है और साथ में जो है हर एक चीज़ बोले तो अपना एथेनॉल का काम जो है अपना डेली यूज में भी बहुत ज़्यादा होता है। तो इसलिए एथेनॉल की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और उस चीज़ की पूर्ति हो नहीं पा रही इतनी हम डिमांड चाहते हैं। तो इसलिए ऐसी कंपनियों की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और सरकार भी इन कंपनियों को बहुत ज़्यादा जो है सपोर्ट अपना दे रही है। इसलिए ये कंपनी आगे आने वाले समय आपको बहुत अच्छा पैसा बना के दे सकती है। तो आप भी इस कंपनी अगर चाहें तो अपना पैसा निवेश कर सकते हैं। अब बात करते हैं लेवल्स की, कि कौन से इसमें इंपॉर्टेंट लेवल है, कहाँ पर आपको फोकस करने की ज़रूरत है। तो देखिए हमने आपको एक लेवल हमने आपको बनाया है आपके लिए। सपोर्ट का हमारा जो लेवल था वो ऑलमोस्ट 19.65 रुपीज़ यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया है और हमारा टारगेट जो है अभी के लिए वो ऑलमोस्ट रहने वाला टारगेट नंबर 1, 24.85 रुपीज़ हमारा अभी के लिए टारगेट नंबर 1 रहने वाला है। तो जो लोग भी बाई करना चाहते हैं तो बाई इसमें अभी कर सकते हैं। एंट्री का काफ़ी अच्छा समय है क्योंकि देखिए इसने काफ़ी ज़्यादा गिरावट ली थी। देखिए ऑलमोस्ट 43.65 रुपीज़ से ये ऑलमोस्ट 19 रुपये तक आ गया था, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा समय में गिरावट देखने को मिली है और बहुत ज़्यादा डाउनफॉल इसने लिया था। लेकिन अब जो है दोबारा से हमें इसमें तेज़ी का माहौल देखने को मिल रहा था। जो लोग भी इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो बिल्कुल इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। टारगेट आपका टारगेट नंबर 1 जो है वो ऑलमोस्ट रहेगा कहाँ पर 24.85 रुपीज़ का आपका टारगेट नंबर 1 है अभी के लिए। तो आपका ये मैं यहाँ मार्क कर देता हूँ, ये आपका टारगेट नंबर 1 रहेगा। टारगेट नंबर 2 जो है अभी के लिए वो ऑलमोस्ट रहने वाला है वो 27.85 रुपीज़ पर आपका टारगेट नंबर 2 रहेगा। ठीक है, ये आपके टारगेट नंबर 2 है, यहाँ पर भी मैं भी इसको भी मार्क कर देता हूँ, यहाँ पर 27.85 रुपीज़ आपका टारगेट नंबर 2 रहेगा। और टारगेट नंबर 3 जो है आपका वो है लगभग 31.55 रुपीज़ का आपका टारगेट नंबर 3। बाकी आपको अगर लॉन्ग टर्म में इसमें बाई करना है तो लॉन्ग टर्म का आपका टारगेट ऑलमोस्ट 43 रुपीज़ के आसपास का हमारा टारगेट नंबर जो रहेगा 4 रहेगा लॉन्ग टर्म के बेस के लिए। ठीक है, तो आप बिल्कुल अपना इसमें आप पैसा लगा सकते हैं। लेवल आपको मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए हैं। बाकी आपको पता है कि कंपनी में पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि शुगर सेक्टर की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। शुगर सेक्टर में जो है बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है आगे बढ़ने का और लगातार इसकी डिमांड बढ़ती जाना है, डिमांड कभी कम नहीं होना। क्योंकि एथेनॉल की ब्लेंडिंग अभी 25% बोली गई है और 2030 तक ये 30% और उसके बाद आपको और भी ज़्यादा ये ब्लेंडिंग बढ़ती हुई देखने मिलेगी और बहुत सारे देश जो है वो 100% एथेनॉल ब्लेंडिंग पर भी काम कर रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा क्रूशियल लेवल रोल प्ले करेगी कंपनी एथेनॉल सेक्टर के लिए। तो बिल्कुल आप इसमें अपना निवेश कर सकते हैं। जो मैंने आपको लेवल दिया है उस लेवल पर आप बिल्कुल इसमें निवेश कर सकते हैं। बाकी आपका सपोर्ट का लेवल ऑलमोस्ट 19.65 रुपीज़ पर सपोर्ट का लेवल रहेगा। ठीक है, आपका ये आप करंट प्राइस पर आप बाई कर सकते हैं बिल्कुल और लॉन्ग टर्म में इसको होल्ड कर सकते हैं। बाकी आपका टारगेट मैंने ऑलरेडी मार्क कर दिए थे। बाकी दोस्तों ये लगता है वीडियो आपको हमारा अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसी प्रकार से अपना प्यारा बना रखें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेते हुए अपना पैसा निवेश करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद एंड थैंक यू।